हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। अभी आपने जो धुन सुनी है ये राग किरवानी पर आधारित है। बहुत ही मेलोडियस राग है और ये धुन है, किसी भी स्टेज प्रोग्राम में बजाएं, आप मंच पर बजाएं, भजन संध्या कहीं पर भी बजाएं, बहुत सुंदर है। और यदि राग किरवानी का कोई आप भजन गा रहे हैं उसके बीच में बजा सकते हैं, बहुत सुंदर धुन है। मेरा स्केल दूसरी काली यानी डी शार्प माइनर, इसमें गंधार और धैवत दो नोट्स कॉमन लगेंगे और से स्वर शुद्ध सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा नी सा, और ये धुन में रे और कोमल गा तक लगेगा, तार सप्तक का गा, इसमें इतने स्वर लगना है। सा रे गा मा पा धा नी सा और रे गा, बहुत ही मधुर धुन है। तीन फ्रेज है इसके। पहला फ्रेज सरे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा, सरे ग म धाको में ले लिया, प ध प म धाको में ले लिया, ग म प म ग रे सा, पहला फ्रेज हो गया, दो बार बजाना। और दूसरा फ्रेज प ध नी स नी ध प, यहाँ पा के ऊपर एक मात्रा ठहराओ, प द नी स नी ध प, क्योंकि ताल कहरवा में है और आठ आठ बीट्स में ये धुन बजती है। प द नी स नी ध पा के ऊपर एक मात्रा ठहराओ, उसके बाद में प द सा रे ग रे सा, प द सा रे ग रे सा, यहाँ तार सप्तक के सा के ऊपर एक मात्रा का ठहराओ, तो धुन क्या बनी। दूसरा फ्रेज क्या बना, प द नी स नी ध प, प द सा रे ग रे सा। इस दूसरे फ्रेज को भी दो बार बजाना और तीसरा फ्रेज में सिर्फ सा नी ध प म प ध प ग म प म ग रे सा, और यहाँ सा के ऊपर एक मात्रा का ठहराओ। तीनों फ्रेज देखें, सरे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा, सरे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा, प द नी स नी ध प, प द सरे ग रे सा, प द नी स नी ध प, प द सरे ग रे सा, स नी ध प म प ध प ग म प म ग रे सा। इस तरह से आपको बजानी धुन, और एक बार पुनः ताल कहरवा जिसका टेम्पो बन 32 BPM है।